हाय माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी टाइम से मेरी स्टिचिंग वाले व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप स्टिचिंग नहीं बता रहे हो, प्लीज़ डिजाइनर ब्लाउज बताइए, डिजाइनर कुछ बताइए। और कल मैं लाइव आई थी तो भी मुझे किसी ने मतलब बोला था, निराली मेहता ने, कि मैम कोई डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग बताओ। तो मैं आज वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करनी है। और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसमें मैंने सिर्फ बैक साइड का डिज़ाइन बताया है, फ्रंट और बैक पल्ला दोनों कट करके दिखाया है, लेकिन बैक में डिजाइन कैसे बनाना है बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा। कुछ भी ना समझे तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले कैसे प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल पार्लर को उससे रिलेटिव और सिलाई से और रिलेटिव वीडियो देखने के लिए। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो एंड तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ इस तरीके के डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है आपको। तो पहले आप कपड़े को लेंगे और दो फोल्ड इस तरीके से कर लेंगे, और उसके बाद से अपनी लेंथ ले लोगे ब्लाउज की, कितनी लेंथ रखनी है। ओके, और लेंथ के पास से ब्लाउज को ऐसे फोल्ड कर दोगे, जैसे 15 या 16 इंच लंबाई लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई कभी भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखनी है। ब्लाउज की लंबाई जैसे आपका नाभि होता है उससे 4 इंच ऊपर तक ब्लाउज की लेंथ रखनी चाहिए। यहाँ से आपको कपड़े को फोल्ड कर देना है इस तरीके से। उसके बाद से आप लोगे अपने छाती का साइज़, जैसे कि आपकी आपका साइज होगा 32 इंच, तो उसका 4 हिस्सा करोगे, 8 चौक 32 होता है, तो 8 इंच आपकी फिटिंग आई। तो यहाँ पे आप ले लोगे 9 या 10 इंच, 1 इंच या 1.5 इंच अधिक ले लेंगे साइज से, ताकि सिलाई में जाएगा हमारा। तो इस तरीके से इंसान लगा लेंगे। उसके बाद से हम लोग गले के लिए यहाँ से लेंगे 2 इंच ज्वाइंट साइड से, 2 इंच गले के लिए, गले की चौड़ाई। ओके, इस तरीके से इंसान लगा दोगे। फिर 3 इंच लेंगे शोल्डर यानी कंधे की चौड़ाई, गला यानी नेक, शोल्डर यानी कंधा, एंड ये कांखी मतलब आर्महोल्स, आर्महोल्स की लंबाई 6 इंच ली है। उसके बाद से जो आपका साइज़ था वहाँ पे इस तरीके से लगाया है। और आर्महोल्स में गोलाई देने के लिए आपको 1.5 इंच में निशान लगाना है और इस तरीके से गोलाई दे देना है। ओके, और इसको पहले हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। ओके, पूरा इसको कट करके निकाल दीजिए और दोनों पल्लों को अलग अलग कर देंगे इस तरीके से। आप सेम तरीका आप पेपर पे भी अप्लाई करोगे, जैसे मैं साइज बता रही हूँ जितना ले रही हूँ उतना ही आपको कपड़े पे भी लेना है सेम तरीके से, और बहुत अच्छा ब्लाउज कट कर लोगे। तो नेक की चौड़ाई जो कि गले की चौड़ाई 2 इंच हमने ले ली है, और यहाँ से हम लोग आगे का पल्ला पहले कट कर रही हूँ। तो 6 इंच हम लोग गले की लंबाई ले लेंगे, नेक की लेंथ 6 इंच है, और ऊपर आपने 2 इंच ली थी तो नीचे यहाँ पे 3 इंच लेंगे। इससे आपकी जो गुलाई होती है गले की वो एकदम परफेक्ट आएगी और बहुत ही सुंदर गला बनेगा आपका गोल। इस तरीके से लगा के ऐसे तिरछा मिला देंगे और इस तरीके से गुलाई देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा कट होगा। अब इसको कट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। इस तरीके से कट कर लेना है, और ये देखिए कितना प्यारा सा नेक, एकदम राउंड वाला गला कट जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। गला पट्टी निकालने के लिए मैं बैक वाले पल्ले में जैसे निकाल दूँ, सेम उसी तरीके से आप आगे वाले पल्ले की भी गला पट्टी निकालोगे। ओके, और इसमें सिर्फ मैं नीचे नीचे टेकिंग देने के लिए बता रही हूँ, सेम तरीका है आपको बैक का पल्ले में भी टेकिंग देने के लिए। बीच से आपको एकदम बीचों बीच निशान लगा लेना है 3.5 इंच पे, और ऊपर से आपको 8 इंच लेना है, ऐसे 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लोगे, और ऊपर से लोगे 8.5 इंच या 8 इंच, और उसको ऐसे मिला दोगे। ओके, तो ये आपका टेकिन हो गया। सिर्फ एक टेकिन वाला ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लगा, डिजाइनर ब्लाउजों में सिर्फ एक ही टेकिन लगानी चाहिए। फिर बैक वाले पल्ले में हम लोग कटिंग करेंगे। तो 2 इंच हमने यहाँ पे गले की चौड़ाई ली है, 10 इंच लंबाई ले ली है, तो आपने ऊपर में 2 इंच हमने चौड़ाई ली है। उसके बाद से 3 इंच ऐसे लंबाई ले लेंगे गले की, उसके बाद इसमें गोलाई लगा देंगे, और नीचे वाला डिजाइन जैसे हमको लगाना है तो ऊपर हमने 2 इंच लिया है, तो नीचे आपका जो आपने 10 इंच की लेंथ ली थी वहाँ पे आपको 4 इंच ले लेना है इस तरीके से। ओके, 4 इंच, और यहाँ पे 3 इंच है, ये 2 इंच है चौड़ाई, और इसको मिलाना है इस तरीके से। आपने जो थंबनेल पे देखा फ़ोटो, सेम उसी तरीके का ये बैक का आपका डिज़ाइन बनेगा। और इसको कट कैसे करना है, गला पट्टी कैसे लगानी है, वो भी मैं बता दे रही हूँ। तो आपको इस तरीके से कट कर लेना, ये जो आपको आप कट कर रहे हो बीच का जो कपड़ा निकल रहा है उसी को आपको रख के गला पट्टी लेना है। ओके, ये देखिए इस तरीके से आपको कट करना है। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो इस तरीके से कट कर लिया है, और ये देखिए कितना प्यारा सा आपका
डिजाइन बन गया है। अब इसमें गला पट्टी कैसे लगाना है, गला पट्टी को ऊपर से स्टिच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बहुत ही प्यारा आपको ऊपर यहाँ बीच से कट कर लेना है और ऊपर का जो ये है उसको भी कट कर लेना, ऊपर वाले पे लगानी है। यहाँ पे आप टेकिंग दे दोगे और बीच से ऊपर से यहाँ पे डोरी लगानी है आपको और यहाँ पे आपको हुक लगाना है। ओके, जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। ट्राई ज़रूर करना गाइज, और अगर आपने सिंपल ब्लाउज वगैरह नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो, और आपको दोबारा से सीखना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं दोबारा बता दूँगी। इस तरीके से आपको कच पट्टी बटन पट्टी दोनों साइड में लगा लेनी है हुक लगाने के लिए। पतला वाला साइड में हुक लगेगा और चौड़े वाले साइड में कच बनेगा, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। तो चलिए गला पट्टी बता देती हूँ कि कटिंग कैसे करनी है गला पट्टी की। तो गला पट्टी कट करने के लिए दूसरा कपड़ा ले लीजिए आप, इस तरीके से मैंने पेपर ले लिया है। इसको डबल फोल्ड करोगे और जो ज्वाइंट वाला हिस्सा है, ये जो हमने बीच में से निकला था डिज़ाइन कट करते वक्त, उसको यहाँ पे रखोगे और जैसे जैसे आपने कट किया है इसको वैसे वैसे ही निशान लगा दोगे। ओके, एकदम चिपका के, थोड़ा भी गैपिंग नहीं देना है। और उसके वैसे जो ऊपर का निकला था 3 इंच का गला उसको लेके, ये जो हमारा बीच का निकला था ना कपड़ा, उसको यहाँ पे रख के ये यहाँ पे रखोगे और ऐसे निशान लगा लोगे। और ये जो ऊपर का निकला था उसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे और इस तरीके से इसको कट कर लेंगे तो आपका गला पट्टी भी निकल जाएगा। तो स्टिच कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ अभी। ओके गाइस, आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे पल्ला बाजू सब कुछ एक वीडियो में चाहिए तो वो भी बता देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूँगी आपको। तो इस तरीके से कट करोगे और इसको जो आपने ब्लाउज में गला पट्टी कट किया है, सॉरी ब्लाउज में जो डिज़ाइन कट किया है उसके ऊपर रख के स्टिच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दोगे तो आपका ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। और ऊपर डोरी लगा लेना, नीचे हुक लगा लेना, बैक साइड का पल्ला है ये। आगे वाले का जो गोल निकला था उसको रख के आप इस तरीके से गला पट्टी निकाल लोगे और ऐसे आपको स्टिच कर लेनी है, यहाँ से आपको ऐसे स्टिच करना है। ओके, और इसको स्टिच करने के बाद से जो आपकी नोक है वहाँ वहाँ पे थोड़ी थोड़ी कट करके अंदर की तरफ मोड़ दोगे तो ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी क्या क्या होगा इस तरीके की डिज़ाइन का, बैक साइड में इस तरीके का डिज़ाइन किस तरीके से कट करें बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर डोरी लगाओगे और नीचे हुक लगाओगे, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगेगा। तो ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसी